सिद्धार्थनगर जिले के बासी तहसील क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 निषाद नगर स्थित डाइट के एक प्रवक्ता पर महिला प्रशिक्षुओं ने उनके साथ अभद्रता करने और उनके नंबर काटने का आरोप लगाया। डाइट प्रवक्ता हरिओम सिंह से नाराज प्रशिक्षु उनके ट्रांसफर और निलंबन को लेकर के डाइट परिसर में धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए प्रशिक्षु हाथ में अपनी मांग की तख्तियां लिए डाइट प्राचार्य और प्रवक्ता हरिओम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशिक्षुओं का आरोप है कि प्रवक्ता हरिओम सिंह लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता करते हुए प्रैक्टिकल में नंबर काटने की धमकी भी अक्सर देते रहते हैं और इस बार के प्रैक्टिकल में तो उन्होंने इसको सच कर दिखाया। प्रशिक्षकों का कहना है कि वो लोग मेहनत से पढ़ाई करते हैं और जो भी टास्क उनको दिया जाता है उसको गंभीरता से पूर्ण करती हैं। फिर भी उन लोगों का नंबर प्रैक्टिकल में काफी कमाया, जबकि प्राचार्य का एक भतीजा जो कि कभी क्लास करने भी नहीं आता और प्रैक्टिकल के दिन वह एब्सेंट था, फिर भी उसको 100 में से 99 नंबर दिए गए। प्रशिक्षकों का कहना है, आरोप है कि प्रवक्ता हरिओम सिंह उनके साथ पक्षपात करते हैं और क्लास में उल्टी सीधी बातें करके अपना समय काटते हैं। धरने पर बैठे प्रशिक्षकों की मांग है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर पूरे प्रकरण की जांच की जाए और उनका नंबर क्यों काटा गया इसको स्पष्ट करते हुए भविष्य में ऐसा ना करने का आश्वासन दिया जाए। साथ ही प्रशिक्षुओं की मांग है कि यहां से तत्काल प्रवक्ता हरिओम सिंह का हस्तांतरण या उन्हें निलंबित किया जाए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो अनवरत धरने पर बैठे रहेंगे। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। प्रैक्टिकल में 80 नंबर, 100 नंबर, 50 नंबर, 20 नंबर काट लिया गया है बिना किसी वजह के। और एक प्रशिक्षु जो रोज पढ़ने आता है, हम 30 किलोमीटर दूर से रोज पढ़ने आते हैं, 2-2 घंटे बस का इंतजार करते हैं, उसके बाद भी मेरा 50 नंबर काट लिया गया है। और एक प्रशिक्षु जो एक भी दिन पढ़ने नहीं आता है, प्राचार्य का भाई है, वाइवा में भी नहीं आया था, हम लोग उसको जानते ही नहीं है। और उसको काटा गया, आप लोगों का पता नहीं क्यों काटा गया। डाइट प्रवक्ता हरि, हम लोगों का शोषण किया जा रहा है क्लास। डाइट प्रवक्ता हरिओम सिंह जो मथुरा डाइट से आए हैं, क्लास में आके कहते हैं कि आप लोगों का व्यक्तित्व अच्छा रहेगा तो आप लोगों को पूरा नंबर दिया जाएगा, और हम लोगों के साथ अभद्रता किया जाता है, लड़कियों को गाली दिया जाता है। उनका व्यक्तित्व कैसा है? जब अपना व्यक्तित्व खुद नहीं अच्छा है तो दूसरे के व्यक्तित्व पे उंगली कैसे उठा सकते हैं वो? क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोगों को पूरा नंबर दिया जाए प्रैक्टिकल में और लिखित दिया जाए कि अगले सेमेस्टर से ऐसा नहीं होगा, और हरिओम सिंह का यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। हम 2022 बैच के प्रशिक्षु हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। यहाँ पर क्लास में आके धमकी दी जाती है कि आपके 125 नंबर काट लिए जाएंगे, और वो काट दिया गया है। और जो लड़का अभी तक उपस्थित नहीं रहा है उसको पूरा पूरा नंबर दिया गया है, 99 नंबर मिला, क्योंकि वो प्राचार्य का रिश्तेदार है और हम लोग का नहीं हो रहा है। हम लोग सब अहित हो रहा है, जाकर पूछने पर ये कह रहे हैं लोग कि ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जब हम लोग जाकर पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं ताले करके हम लोगों से बात किया जाता है, मतलब लड़कियों के साथ ऐसे बात किया जा रहा है। किस तरीके से बात किया? ताले करके, अरे सारे तुम लोग क्या जान रहे हो, ऐसे करके बात किया जा रहा है। कौन कहता है? हरिओम सिंह। कौन है वो? डाइट प्रवक्ता है। और ये सर, ये सर थर्ड सेमेस्टर में आए और हम लोग को सेकंड सेमेस्टर का ये लोग रिपोर्ट दिए हैं, ये कैसे दे सकते जब ये थर्ड सेमेस्टर में आए हैं? तो जब हम लोग को बस मांग यही है सर, इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और हम लोग को ये लिखित दिया जाए कि दो सेमेस्टर में हम लोग का नंबर नहीं काटा जाएगा और हम लोग के नंबर की भरपाई उसी में की जाएगी। डाइट की 22 बैच की प्रशिक्षु हूँ, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा। हरिओम सर हम लोगों को धमकी दे करके नंबर काट लिए हैं, हम लोगों का रिजल्ट हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिए हैं और हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उपेंद्र कुमार सर, उनके भतीजे धनंजय गौड़ को उन्होंने सारा नंबर चढ़ा दिया, जबकि वाइवा में वो अब्सेंट थे। क्यों थे? अभी तक 5 दिन से हम लोग पूछ रहे हैं, सर कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई आज 5 दिन से कोई भी नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। कितने दिन से धरने? रोज यहाँ के बच्चे बेहोश हो जाते हैं सर, 5 दिन से हो गया। हम लोगों को धरना आज शुरू किए, हम लोग 5 दिन से कहते हैं आज करा देंगे, आज हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि हरिओम सर को सस्पेंड कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए और लिखित में दिया जाए कि ऐसा आगे नहीं होगा हम लोगों के साथ। अगर आप लोग की मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग सर यहीं बैठे रहेंगे, नहीं हटने वाले हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और समस्त प्रशिक्षु डीएलएड 2022 बैच के 4 मांगों को लेकर बैठे हैं। पहला मांग हमारा यह है कि अंक पत्र में सुधार हो, दूसरा मांग यह है कि दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो, तीसरा मांग यह है कि हरिओम सिंह यहां से सस्पेंड हो, ट्रांसफर हो, चौथी मांग है जो प्राइवेट विद्यालय में वाइवा हुआ ही नहीं है उनको किस आधार पर नंबर दे दिया गया है और कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उच्च स्तर का जांच चाहते हैं हम अखिल भारतीय विद्यार्थी।